हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ईसीजी सीपीयू कंप्यूटर नॉलेज के मॉक टेस्ट डे 3 पर। बेस्ट 20 क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं हर एक सेशन में। आप लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म भी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी इन्हेंस कर रहा हो। देखिए, यहाँ पर अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस की बात करें कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस कैसे देखने को मिलते हैं, तो लेवल इसका मॉडरेट टू हाई रहता है। यहाँ पर मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस को फेस करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप यहाँ पर सबसे पहली बात तो फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने के बारे में सोचें कि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करते हैं। और अगर आप यहाँ पर फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर पा रहे हैं तो आप बहुत सारे कैंडिडेट से आगे हो जाएंगे और कंपटीशन आप अपने लिए कुछ कम कर पाएंगे और सिलेक्शन को ले पाएंगे जो आप और हम चाहते हैं, राइट? तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं एक ऐसे बैच की जो आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क के एग्जाम में और ईसीजीसी पीओ के एग्जाम में आपको मदद करने वाला है। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने इसको एक बार टाइम दे दिया तो ये बहुत आसान आपको लगेगा एग्जाम में। इवन आपको ऐसा फील होगा कि सेम ऑप्शन और सेम क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसके पीछे आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करने पड़ेंगे और कई सारे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी करनी होगी। इन सभी चीजों को देखते हुए यहाँ पर एक बैच आपके लिए बनाया गया है आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क, जो इसमें भी मदद करेगा और ईसीजीसी पीओ में भी मदद करेगा। बेस्ट 55 वीडियो क्लासेस है, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हैं, मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। यानी बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पर आपको। वैलिडिटी रहने वाली है 6 मंथ्स की। कैसे ज्वाइन करें, तो आईओएस स्टोर या फिर गूगल एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर जाकर आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और ऐप इंस्टॉल करने के बाद इस पार्टिकुलर कोर्स ड्रीम बैच 2.0 से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन एक वादा करिए कि इसके बाद कोई दूसरी वीडियो नहीं देखेंगे, कोई दूसरी बुक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये बैच अपने में परफेक्ट बैच है। तो टाइम भी सेव होगा आपका, रिवीजन के लिए पीडीएफ भी आपके पास में है, तो हो गई ना 100% गारंटी एग्जाम में कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने की। कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको लग रहा है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके, मैसेज करके कोई भी क्वेरी को आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी लिंक हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, वहां पर क्लिक करके डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शंस को देखिए और आंसर करने की कोशिश करिए। विच बस कैरीज इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोसेसर एंड पेरीफेरल। कह रहा है कंप्यूटर में ऐसी कौन सी बस है, बस का मतलब केबल, ऐसी कौन सी केबल है जो प्रोसेसर यानी सीपीयू और पेरीफेरल, पेरीफेरल का मतलब कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, प्लॉटर, जॉयस्टिक, ये सब पेरीफेरल्स हैं। इनके बीच में जो इंफॉर्मेशन का फ्लो करती है बस यानी केबल, वो कौन सी है? डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? तो कंप्यूटर में जो केबल्स होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं। एक डेटा बस होती है, एक एड्रेस बस होती है और एक कंट्रोल बस होती है। डिफरेंस क्या है? डेटा बस इंफॉर्मेशन को फ्लो करती है, डेटा को फ्लो करती है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ था? इंफॉर्मेशन, तो आंसर क्या होगा? डेटा बस होगा। अगर बात मेमोरी की हो रही होती, अगर क्वेश्चन में मेमोरी आ जाता तो आंसर हो जाता एड्रेस बस, क्योंकि एड्रेस बस मेमोरी के लोकेशन को स्पेसिफाई करती है। जबकि अगर मैनेज करके कुछ मिल जाता कि मैनेज करने की बात हो रही होती वाया बस, तो आंसर हो जाता कंट्रोल बस। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए। हु डेवलप द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर? आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर को किसके द्वारा डेवलप किया गया? ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बेबेज, जॉन वॉन न्यूमैन, एलन ट्यूरिंग या केन थॉमसन? आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? आर्किटेक्चर का मतलब होता है सीपीयू यानी प्रोसेसर को डिजाइन करना। और जब हम लोग प्रोसेसर या सीपीयू को डिजाइन करते हैं
तो वहां पर सीयू, एएलयू, मेमोरी यूनिट, इन सब के बारे में सोचते हैं। अब आर्किटेक्चर के फाउंडर कौन है? मिस्टर जॉन वॉन न्यूमैन, यानी थर्ड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ये जो मिस्टर जॉन वॉन न्यूमैन है, ये आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर के भी फाउंडर हैं और इसके साथ साथ स्टोरेज कॉन्सेप्ट के भी फाउंडर हैं। तो अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि स्टोरेज का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया, या बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर के फाउंडर, तो दोनों ही केस में आंसर होगा मिस्टर जॉन वॉन न्यूमैन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा? कह रहा है कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए कौन से फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है? डेसिमल, ऑक्टल, बीसीडी, हेक्साडेसिमल, या फिर नन ऑफ दीस? तो आप सोच के देखिए कि कंप्यूटर में अगर आपको कोई चीज स्टोर करनी है तो आप किस फॉर्म में करेंगे? तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है, बाइनरी के फॉर्म में करेंगे, 0-1 के फॉर्म में करेंगे। लेकिन ऑप्शन में आपने देखा तो बाइनरी लिखा ही नहीं हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीस हो जाएगा। लेकिन यहां पर कहानी में ट्विस्ट है, नन ऑफ दीज ना होकर इस यहां पर इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा बीसीडी। बीसीडी की फुल फॉर्म होती है बाइनरी कोडेड डेसिमल, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा गाइस? बीसीडी बन जाएगा। इसका मतलब बाइनरी बोलें या बाइनरी कोडेड डेसिमल बोलें, बात एक ही है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा? कह रहा है ऐसा कौन सा सर्किट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है 1 बिट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए? फ्लिप फ्लॉप, डीकोडर, इनकोडर, रजिस्टर, या फिर ऑल ऑफ दीस? अब सबसे छोटी यूनिट अगर कोई कंप्यूटर में होती है तो वो बिट होती है। बिट के बाद निबल होती है, निबल के बाद बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, इस तरीके से होता है। तो जो बिट होती है वो 0 और 1 के फॉर्म में होती है। अब 0 और 1 को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में किसकी रिक्वायरमेंट होती है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सही आपने सोचा कि 0 और 1 को स्टोर करने के लिए फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होती है। क्या आंसर होगा यहां पर? फ्लिप फ्लॉप इज दी करेक्ट, यानी 1 0 और 1 1 को स्टोर करने के लिए, बिट को स्टोर करने के लिए फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होती है। और कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप को ही रजिस्टर भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता कि कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड, तो आंसर क्या होगा? दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। ठीक समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट रिलीज ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, लाइनक्स से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो लाइनक्स फर्स्ट रिलीज कब हुआ यार आपको बताना है। 1990, 1991, 1987, 1992 या 1995? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा 1991। लाइनक्स जिसको लाइनस डिस्ट्रो के नाम से जाना जाता है, लाइनस डिस्ट्रीब्यूशन, इस नाम से जानते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, मिस्टर लाइनस टोरवाल्ड के द्वारा डेवलप किया गया है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और एडिटिंग भी पॉसिबल है। सीयूआई के साथ साथ जीयूआई दोनों फीचर में ही ये अवेलेबल है। तो कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सीयूआई और जीयूआई दोनों ही फीचर के साथ में अवेलेबल है। तो आंसर हो जाएगा दैट इज लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम भी है जिसमें वायरस एंटर नहीं करता। तो कई बार ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सबसे सेफ एंड सिक्योर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए। तो सेफ भी है, सिक्योर भी है और ओपन सोर्स भी है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? दैट इज लाइनक्स। और इसका जो मैस्कॉट है वो है पेंगुइन, जो आपके सामने है, दैट इज द मैस्कॉट ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट कॉम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू? कह रहा है ऐसी कौन सी मेमोरी है जो सीपीयू के साथ में डायरेक्टली कॉम्युनिकेट करती है? सीपीयू यानी प्रोसेसर के साथ में जो मेमोरी कॉम्युनिकेट करती है वो कौन सी है? ऑक्सिलरी मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्रोसेसर या मदरबोर्ड? तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि सीपीयू के अंदर कौन सी मेमोरी है, तो आंसर हो जाता रजिस्टर।
लेकिन यहां पर पूछा है सीपीयू जिससे कॉम्युनिकेट करता है, सीपीयू के सबसे क्लोज मेमोरी कौन सी है? तो आंसर है रैम। और रैम कैसी मेमोरी है, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी? तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, मेन मेमोरी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द सेल करस्पॉन्डिंग टू द 10th कॉलम एंड 7th रो इन एमएस एक्सेल? कह रहा है एक्सेल शीट में 10th कॉलम और 7th रो को इंडिकेट करने वाली जो सेल होगी वो कौन सी होगी। बहुत आसान है, हम लोग जानते हैं एक्सेल शीट में कॉलम्स को अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और रोज को नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं 10th कॉलम का मतलब जे और रो मतलब कितनी है, 7। तो जे 7 इज द करेक्ट वन, है ना, यही तो आंसर होगा इसका। तो जे 7 बन जाएगा, 10th कॉलम का मतलब 10th नंबर पर अल्फाबेट कौन सा आता है, जे, और 7th रो का मतलब जे 7। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि एक्सेल शीट में कॉलम को किससे इंडिकेट करते हैं, तो आंसर है कॉलम को अल्फाबेट से इंडिकेट करते हैं और रोज को किससे इंडिकेट करते हैं, तो रोज को नंबर से इंडिकेट करते हैं। याद रहेगा, वेरी गुड। नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट एक्सेल पोजीशन नंबर्स इन अ सेल। कह रहा है बाय डिफॉल्ट एक्सेल में जो नंबर्स की बाय डिफॉल्ट पोजीशन होती है वो क्या होती है, लेफ्ट अलाइंड, राइट अलाइंड, सेंटर्ड, जस्टिफाइड या ऑल ऑफ दिस? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा राइट अलाइंड। एक्सेल में जितने भी नंबर्स हैं वो राइट अलाइंड होते हैं और जितना भी टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइंड होता है। तो याद रखिएगा, द करेक्ट आंसर इज राइट अलाइंड। हमने यहां पर लिख कर भी आपको दिखाया है कि अगर आप 1 2 3 लिखेंगे एक्सेल के सेल के अंदर तो ये राइट अलाइन हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, और अगर आप कोई नाम लिखेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, है ना, तो इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर दैट मॉनिटर योर ऑनलाइन कंप्यूटर एक्टिविटी इज कॉल्ड। कह रहा है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर पर लगातार निगरानी रखता है, ऐसी निगरानी रखने वाले सॉफ्टवेयर को क्या बोलेंगे, मैलवेयर, स्पाईवेयर, फ्रीवेयर, फर्मवेयर या वॉर्म? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, दैट इज कॉल्ड स्पाईवेयर। जितने भी निगरानी रखने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्पाईवेयर बोलते हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पिगासिस, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है कि पिगासिस क्या है। तो आपने न्यूज में सुना होगा, लगातार चर्चा में भी रहा है कि पिगासिस एक ऐसा मैलवेयर है जो कि स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर के तरीके का ये मैलवेयर है, मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि मोबाइल फोन में एंटर कर दिया जाता है, एक ऐसा वायरस के टाइप का जो कि मोबाइल में एंटर कर दिया जाता है, फिर मोबाइल की सारी इंफॉर्मेशन ट्रैक कर ली जाती है, है ना, दिस इज कॉल्ड स्पाईवेयर। इसको बेसिकली बनाया था एनएसओ के द्वारा, एनएसओ ऑर्गेनाइजेशन ने स्पाईवेयर को बनाया था, और इसके पीछे मोटिव था सिर्फ सरकार को ये प्रोवाइड करेगा कि सिर्फ जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, उनको हम ये पिगासिस दे देंगे और वो जितने भी क्रिमिनल हैं उनके फोन्स में डाल देंगी और उनके फोन को पूरा ट्रैक कर लिया जाएगा, बहुत बढ़िया। लेकिन हुआ क्या कि हाल ही में ये देखा गया कि सरकार ने शायद इसका कुछ गलत इस्तेमाल भी किया है, शायद, है ना, क्योंकि ऐसे एलिगेशंस लगे हैं कि आम जनता तक या जितने भी अपोजिशन पार्टी हैं उनके मोबाइल फोन में भी पिगासिस देखा गया। तो ये मैटर ऑफ डिस्कशन है कि ये ऐसा हुआ क्यों, है ना, तो देखने वाली बात है ये। तो पिगासिस क्या है ये आप समझ गए, पिगासिस बेसिकली एक घोड़े का नाम है ना, एक घोड़े को कहा जाता है जो कि फ्लाइंग हॉर्स होता है, उड़ने वाला घोड़ा। पर ऐसा भी कहा जाता है कि एक ऐसा जादुई घोड़ा है जिसके सामने कोई भी विश मांग लो तो वो पूरी हो जाती है ना, तो आप सबका सिलेक्शन हो, यही विश है। तो बेसिकली यही है हमारा पिगासिस का कॉन्सेप्ट, और पिगासिस एक स्पाईवेयर है। नेक्स्ट, एटीएम मशीन रन ऑन डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। एटीएम मशीन किस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करती है, ओपन सोर्स, क्लोज सोर्स, एम्बेडेड, शेयरवेयर या ऑल ऑफ दीज? देखिए, अगर एटीएम मशीन की बात करें तो ये विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10, विंडोज 11, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करती है।
लेकिन यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा सा कस्टमाइज कर दिया जाता है एटीएम मशीन की वर्किंग के अकॉर्डिंग, जिससे कि कोई भी उसको हैक ना कर पाए, है ना। वीपीएन का इस्तेमाल किया जाता है उसके बैकएंड पर, तो यहाँ पर इसको कस्टमाइज किया जाता है और बनाया जाता है एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर एटीएम मशीन पूछें या स्मार्ट वॉच पूछा जाए या डिजिटल वॉच पूछा जाए, इस केस में हमेशा आंसर क्या होगा? एम्बेडेड होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू एक्सट्रैक्ट और फिल्टर द डेटा इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा वेयर हाउस? डेटा वेयर हाउस में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना और फिल्टर आउट करना, ये किसके थ्रू किया जाता है? डेटा रिडंडेंसी, डेटा कंसिस्टेंसी, डेटा माइनिंग, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? क्या लगता है आपको करेक्ट आंसर यहां पर क्या बनेगा? देखिए, बिल्कुल एक चीज आप समझिएगा कि डेटा वेयर हाउस क्या है। ये एक डेटा का गोडाउन है जहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन में जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है सिर्फ उसी को ही रिट्रीव या एक्सेस किया जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं डेटा को माइनिंग करना। सो द करेक्ट आंसर इज डेटा माइनिंग, एक्सट्रैक्ट और फिल्टर दी डेटा, जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको रिट्रीव करना, दैट इज कॉल्ड डेटा माइनिंग। समझ में आ गया? तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि डेटा वेयर हाउस एक गोडाउन है जहां पर सभी डेटा को रखा गया, और उस गोडाउन में जब हमने प्रोसेसिंग करी तो जो डेटा हमें फिल्टर आउट करके मिला, दैट इज कॉल्ड डेटा माइनिंग। नेक्स्ट, इन जनरल अ फाइल इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेटेड डैश। कह रहा है जनरली फाइल जो है वो किसका कलेक्शन है? तो यहां पर आपको डेटाबेस की हायरार्की अगर याद होगी तो आप बिल्कुल इसका आंसर करेक्ट कर पाएंगे। रोज एंड कॉलम्स, फील्ड्स, डेटाबेस, रिकॉर्ड या ऑल ऑफ दीज? तो डेटाबेस की जो हायरार्की होती है वो क्या होती है? बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटा, है ना, ये आपका सीक्वेंस चलता है। तो इसके थ्रू अगर हम देखें तो फाइल क्या है? एक तरीके से रिकॉर्ड का ही कलेक्शन है। इन जनरली अ फाइल इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेटेड रिकॉर्ड। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहां पर? फोर्थ इज द करेक्ट वन, है ना। यहां पर आप देख सकते हैं बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। क्या पूछ रहा था? कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेटेड, फाइल इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ, तो फाइल किसका कलेक्शन है? पहले रिकॉर्ड है और रिकॉर्ड के कलेक्शन, बेसिकली फाइल इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ जितनी भी रिलेटेड रिकॉर्ड्स होंगे उसी का कलेक्शन क्या होगी? फाइल होगी, है ना। इस हायरार्की से हम बिल्कुल इस बात को समझ पा रहे हैं। तो बस ये हायरार्की आपको याद रखनी है, कुछ भी पूछा जाए अगर यहां पर फाइल की जगह पर रिकॉर्ड लिखा होता, है ना, तो हम लोग यहां पर क्या करते? यानी हमेशा ऊपर वाले टर्म्स को हमें फोकस करना है। जैसे फाइल दिया था तो रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड दिया था तो फील्ड हो जाता, फील्ड दिया होता तो बाइट हो जाता, है ना। इस तरीके से हमें आंसर करना होगा। यानी कलेक्शन ऑफ बिट बाइट है, कलेक्शन ऑफ बाइट फील्ड है, कलेक्शन ऑफ फील्ड रिकॉर्ड है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड फाइल है, और कलेक्शन ऑफ फाइल क्या है? डेटाबेस है, ना। इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? कई बार हम अपने मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करते हैं, कई बार अपने कंप्यूटर्स को रीस्टार्ट करते हैं, इसे क्या बोलते हैं? कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, बूटिंग, सेफ मोड या फिर नन ऑफ दीज? बिल्कुल सही यहां पर करेक्ट आंसर होगा, दिस इज कॉल्ड वार्म बूटिंग। जब भी हम लोग रीस्टार्ट की बात करते हैं तो बात करते हैं वार्म बूटिंग की, और जब भी हम लोग किसकी बात करते हैं? शटडाउन की बात करते हैं तो बात करते हैं कोल्ड बूटिंग की। तो जितनी बार भी आप अपने सिस्टम को शटडाउन करके ऑन करते हैं दैट इज कोल्ड बूटिंग, और जितनी बार भी रीस्टार्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड वार्म बूटिंग। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सिलेक्ट, F8 की को अगर 3 बार आप प्रेस करते हैं तो क्या सिलेक्ट होगा? वर्ड, पैराग्राफ, सेंटेंस, एंटायर डॉक्यूमेंट या फिर ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर होगा दैट सिलेक्ट सेंटेंस। F8 की को अगर 3 बार आप दबाते हैं तो सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा।
देखिए F8 की को अगर आप दबाते हैं बूटिंग के दौरान, तो वहां पर क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है वो सेफ मोड में एंटर हो जाता है। लेकिन नॉर्मली जब हम MS वर्ड पर काम करते हैं और हमने कुछ टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, तो 3 बार F8 की को प्रेस करने पर सेंटेंस को सिलेक्ट कर दिया जाएगा। 2 बार अगर हम F8 की प्रेस करते हैं तो वर्ड सिलेक्ट होगा। 4 बार अगर हम F8 की को प्रेस करते हैं तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। और 5 बार अगर करते हैं तो पूरा डॉक्यूमेंट हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अ कंप्यूटर वायरस दैट एक्टिवेट अटैक ऑन एंटीवायरस प्रोग्राम और प्रोग्राम इन एन एफर्ट टू प्रिवेंट डिटेक्शन इज कॉल्ड। कह रहा है ये कंप्यूटर वायरस है जो एक्टिवली अटैक ऑन एंटीवायरस प्रोग्राम, जो कि एंटीवायरस पर अटैक करता है। एंटीवायरस पर अटैक करने वाला एक वायरस कौन सा है? वॉर्म, रेट्रो वायरस, ट्रोजन, घोस्ट वायरस या फिर ऑल ऑफ दिस? बड़ा ही जबरदस्त वायरस है, दिस इज कॉल्ड रेट्रो वायरस। जो एंटीवायरस पर अटैक कर दे दैट इज कॉल्ड रेट्रो वायरस, है ना, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, द पावर ऑफ स्प्रेडशीट लाइज इन इट्स। स्प्रेडशीट मतलब जैसे MS Excel एक स्प्रेडशीट है जो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होगा, उसे स्प्रेडशीट बोलेंगे। तो स्प्रेडशीट की जो पावर है वो किस में है? सेल में, फॉर्मूला में, लेबल्स में, वर्कशीट में या फिर ऑल ऑफ दीज? तो किसी भी स्प्रेडशीट को पावरफुल बनाती है उसमें यूज हुए फॉर्मूले। तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा दैट इज सेकेंड, फॉर्मूला इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर्ड इन। कह रहा है कंप्यूटर की स्पीड को किसमें नापा जाता है? नैनो सेकेंड, किलो सेकेंड, गीगाहर्ट्ज़, मेगाबाइट या नन ऑफ दीस? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कंप्यूटर की स्पीड हो या प्रोसेसर की स्पीड हो, इन दोनों ही केस में आंसर सेम रहने वाला है और वो होगा हर्स। हर्स यहां पर गीगा हर्स दिया हुआ है तो गीगा हर्स हो जाएगा, मेगा हर्स होता तो मेगा हर्स हो जाता, है ना। तो डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर कि वहां पर हर्स दिया है, गीगा हर्स दिया है या मेगा हर्स दिया है। सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड वन। ठीक, तो यहां पर हमने दिखाया भी है मेगा हर्स भी हो सकता है और गीगा हर्स भी। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन और भी बनता है कि सर अगर ऑप्शन में गीगा हर्ज और मेगा हर्ज दोनों गिवेन हो तो फिर क्या होगा? अगर बोथ ऑफ दीज गिवेन नहीं होगा तो इस केस में हम गीगा हर्ज को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि हमेशा मैक्सिमम स्पीड को ही प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता दी जाती है। तो इस केस में मेगा हर्ज नहीं होगा, क्या होगा? गीगा हर्ज। लेकिन अगर मेगा हर्ज दिया है तो मेगा हर्ज, और मेगा हर्ज नहीं दिया हुआ है तो गीगा हर्ज। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ की आर कंट्रोल एंड शिफ्ट। कंट्रोल और शिफ्ट किस तरीके की की है? थ्री फिंगर की, टॉगल कीज, मॉडिफायर कीज, फंक्शन कीज या फिर ऑल ऑफ दीज? क्या होगा करेक्ट आंसर? थ्री फिंगर की होती है कंट्रोल, ऑल्ट और डिलीट, इन्हें हम बोलते हैं थ्री फिंगर की, जिसके थ्रू हम लोग टास्क बार को ओपन करते हैं, जिसके थ्रू कई बार हम लोग रीस्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को, ये थ्री फिंगर की है। टॉगल कीज कौन सी होती हैं? जिनके आगे लॉक लगा होता है, जैसे कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, दीज आर कॉल्ड टॉगल कीज। मॉडिफायर कीज का मतलब जो अकेले काम नहीं करती, किसी दूसरे के साथ में काम करती हैं, किसी दूसरी कीज के साथ में काम करती हैं और अपने खुद के फीचर को चेंज कर लेती हैं, तो दैट इज कॉल्ड मॉडिफायर कीज। जैसे कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट, ये तीनों हमारी मॉडिफायर है। तो कंट्रोल शिफ्ट कैसी हो गई? मॉडिफायर हो गई। और टोटल मॉडिफायर कीज कितनी होती हैं? तो आंसर है 3 होती हैं, कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट। फंक्शन कीज F1 से लेकर F12 तक 12, और Fn को इंक्लूड करें तो 13, यानी 13 भी हो सकती है, डिपेंड करेगा ऑप्शन में 12 गिवेन है या 13 गिवेन है। नेक्स्ट, इट इज अप्रोक्सीमेटली अ मिलियन बाइट। कह रहा है ये अप्रोक्सीमेटली मिलियन बाइट के बराबर है। गीगाबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट दो बार है कोई बात नहीं, निबल, क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर? तो इट इज अप्रोक्सीमेटली अ मिलियन बाइट MB,
यानी मेगाबाइट जो होती है वो मिलियन बाइट के बराबर है। तो अगर मिलियन बाइट कभी भी पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? मेगाबाइट। ट्रिलियन बाइट लिखा होता तो आंसर हो जाता है टेराबाइट, है ना, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, कंट्रोल डी इज शॉर्टकट यूज्ड फॉर। कंट्रोल डी जो है वो किसका शॉर्टकट है? ओपन डायलॉग बॉक्स होगा, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, सेव एज डायलॉग बॉक्स, सेव डायलॉग बॉक्स या ओपन डिस्प्ले, क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल, हम लोग जानते हैं कि कंट्रोल डी करने पर नॉर्मली अगर एमएस वर्ड में इसको हम करते हैं तो क्या होगा, यहां पर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, यानी फॉन्ट के साइज को चेंज कर पाएंगे, फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर पाएंगे। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को अपीयर करने के लिए कंट्रोल डी का यूज करते हैं। और यही अगर हमने इंटरनेट पर किया कंट्रोल डी का यूज तो क्या होगा? बुक मार्क होगा, है ना। बुक मार्किंग के लिए इंटरनेट पर अगर हमने कोई ब्राउजर ओपन किया हुआ है वहां पर अगर कंट्रोल डी करते हैं तो बुक मार्क हो जाएगा, राइट, याद रखिएगा इस बात को। ये रहे आपके 20 क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और ये भी काफी प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है, द वायरस दैट स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा वायरस है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंपैक्ट करता है? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ऐसी एप्लीकेशंस पर जो इंपैक्ट करता है वो वायरस कौन सा है? बूट वायरस, मैक्रो वायरस, फाइल वायरस, एंटीवायरस या रैंसमवेयर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ अगर आप बेस्ट टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं और गारंटी से स्कोर करना चाहते हैं एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल विद फुल कॉन्फिडेंस, तो आप बिल्कुल इस बैच से भी कनेक्ट हो सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, गेट सेट गो, है ना, और तैयार हो जाइएगा एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने के लिए। बाकी ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो भी आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू गाइस।